सिंगरौली में विधायक रामलल्लू बैस ने दो नवीन विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान विधायक ने बताया कि स्थानीय लोगों की मांग पर स्कूल भवन का निर्माण किया गया है। स्थानीय लोगों की मांग पर शीघ्र पहल करते हुए सिंगरौली विधायक द्वारा स्कूल भवन का निर्माण कराया गया है, जिसमें अब छात्रों को पढ़ाई में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि तियारा में 86,70,000 और चरगोड़ा शासकीय हाई स्कूल में 86,10,000 का लोकार्पण किया गया है। इस अवसर पर राम लल्लू बैस ने कहा कि स्कूल का भवन गुणवत्ता को देखते हुए तैयार किया गया है। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्थानीय लोग मौजूद रहे। राम मंडल में बहुत दिनों से हाई स्कूल का भवन नहीं था, तो बच्चों को पढ़ने लिखने में काफ़ी कठिनाई होती थी, जिसको पिछले साल स्वीकृत हुआ था राशि 86,70,000 का तियारा में, और उतना ही का राशि का लगभग चरगोड़ा में बन के पूर्ण हो गया था, जिसको कल हमने उसको लोकार्पित किया। गरीबी किसी माँ के स्वास्थ्य पर बोझ ना बने, इसलिए सरकार प्रसूति से पहले माँ को पौष्टिक भोजन के लिए 4,000 रुपये देती थी। बच्चे के जन्म के बाद माँ को कमाने की मजबूरी ना रहे, माँ बच्चा स्वस्थ रहे, इसलिए मिलते थे 12,000, ताकि माँ को पूरा आराम मिल सके और बच्चे को पूरा पोषण। फिर 15 महीने इन लोगों ने सब बंद कर दिया, जच्चा और बच्चा दोनों को भूल गए। माँ के तो पेट पर ही लात मार दी। माँ से चापे के लड्डू ही छीन लिए। ये पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। 10 रुपए में हर मार, 10 रुपए में इतना महंगा दे रहे हैं? अरे हमारे बारे में भी तो कुछ सोचो। जी जी, ये तो मेरा धंधा है, पर तुम्हारा सोचने के लिए तो सरकार है। वो कैसे? शिवराज सरकार फिर आ गई प्रदेश में। अब जैसे तुम्हारी जरूरत का हर सामान यहाँ है, वैसे ही शिवराज को मजदूर के जीवन से लेके मरण तक का हर पल का ध्यान है। शिवराज भैया आ गए तो फिर शुरू हो गई संबल। अब भी जाते हैं और जाकर अपना संबल कार्ड ढूंढते हैं, कि पिछली सरकार ने तो सब बंद कर दिया था। अब भी जाते हैं। जी जी, कार्ड संभाल के रखना, आगे बहुत काम आने वाला है। हाँ भैया, हर गरीब को भरोसा है, एक शिवराज है जो हमेशा साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।